लंबे समय से यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इंतज़ार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऑफिशियल सरकारी पत्र यहां पर जारी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पीछे भी। पूरी जानकारी देंगे कि आखिर में इस पत्र में क्या लिखा है, कब तक आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, पूरी अपडेट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की हर एक अपडेट आप पा सकें इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पत्र को। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए, ये जो पत्र है ये जारी हुआ है 21 अगस्त 2023 को, ठीक। पत्र किसका है? अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये एक आज्ञा पत्र है, ठीक है, आज्ञा पत्र है ये। और दोस्तों ये जो पत्र है ये इसलिए जारी हुआ है कि बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, उनको देखते हुए 29 अगस्त 2023 को एक बैठक संपन्न की जाएगी। और दोस्तों ये जो बैठक है ये 29 अगस्त 2023 को दोपहर बाद होगी, मुख्य भवन के द्वितीय तल पर ये बैठक की जाएगी लखनऊ में, ठीक दोस्तों। और इसके लिए कहा गया है कि 28 तारीख को इस बैठक में जिन भी अधिकारियों को आना है उन सभी माननीयों को 28 तारीख को ये जो सूचना है वो हर हाल में उपलब्ध करा दी जाए, ये नोटिस इसीलिए जारी किया गया है। तब आपके मन में सवाल होगा कि इससे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का क्या नाता, ठीक। तो आप ये देखिए, दूसरा पेज देखिए आप, पहले यहाँ पर देखिए ये बैठक 29 अगस्त को है, विनिमय समीक्षा समिति है, यहाँ पर समीक्षा की जाएगी प्रकरणों की और समीक्षा के बाद आगे जो नियुक्ति पत्र है या किन्हीं कारणों से कोई चीज़ें रोकी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए यहाँ पर नीचे आप आइए, ये रहा, प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में। जी हाँ, अब आपकी जो भर्ती रुकी है उसमें नियुक्ति दिए जाने के संबंध में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट से कोई भी मामला स्टेज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख दोपहर के बाद आप सभी को गुड न्यूज़ मिलेगी, जो भी अपडेट्स होगी मीटिंग के बाद हम आपको तत्काल देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।